How to fix Samsung Note 20 Earphone Not Working Problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है एयरफोन के इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एयरफोन के रिलेटेड दोस्तों अगर कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या क्या सॉल्यूशन आपको फॉलो करना है, मोबाइल पे क्या सॉल्यूशन करना है, ठीक है, वो सब दोस्तों आपको इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन है उसको फॉलो करें, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो लगभग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एयरफोन के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होते हैं तो फिर दोस्तों आपकी जो एयरफोन का जैक है, ठीक है, जहाँ पे एयरफोन प्लग करते हैं तो उसका प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर आपका एयरफोन जो है वो टूटा हुआ हो सकता है, ठीक है, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आपका एयरफोन काफ़ी पुराना है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर चेक करना है कि आप जो भी एयरफोन यूज़ करें वो आपके मोबाइल के लिए सपोर्टेड है या नहीं है। ठीक है, सैमसंग का एयरफोन जो है आपको यूज़ करके देखना है, जो कि ओरिजिनल वाला होगा, और न्यू पीस आपको ट्राई करके देखना है, तो वो दोस्तों यहाँ पर काम कर जाएगा। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है मोबाइल को रिस्टार्ट करें और आप दोबारा से ट्राई करके देखिए, अगर सॉल्व हो जाता है ठीक है न्यू एयरफोन के साथ। ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो एक एयरबड लेके अपना जो प्लग है एयरफोन का, जो एक एयरफोन प्लग करने का होल रहते हैं, तो एयरबड की मदद से उसको साफ़ करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या हो जाता है, कॉपर वायर वगैरह अगर चले जाते हैं उस प्लग के अंदर पे, या फिर कोई डस्ट वगैरह जो है स्टक हो जाते हैं अंदर पे, ठीक है, जहाँ पर आप एयरफोन प्लग करते हैं मोबाइल पर, तो उसके वजह से दोस्तों प्रॉब्लम होते हैं। तो थोड़ा सा आप उसको साफ़ करने की कोशिश करें एंड देन दोबारा से चेक करके ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इससे दोस्तों कई बार काम बन जाते हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तो ये भी आप करके देख सकते हैं। सारे साथ दोस्तों आपका जो एयरफोन का जैक है उसको आप जो है दोस्तों ज़ोर से प्लग इन और प्लग आउट करके देखिए यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या हो जाते हैं इससे काम बन जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ज़ोर से आप और फास्ट से अपना जो एयरफोन है उसको प्लग इन कीजिए और प्लग आउट कर दीजिए, यानी कि इंसर्ट करना है और यहाँ पर बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो इतना करके देख सकते हैं दोस्तों आप। ये सब दोस्तों एक बेसिक सॉल्यूशन है जो कि आप ट्राई करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन सब दोस्तों बेसिक सॉल्यूशन के मदद से कई बार एयरफोन के रिलेटेड जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आपको टूटा हुआ एयरफोन वगैरह यूज़ नहीं करना है, ठीक है, वरना आपको उससे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ साउंड सेटिंग भी जो है मिल जाएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर पर जाके अगर आप चेक करते हैं साउंड क्वालिटीज़ वगैरह आपको एयरफोन का यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वो सब इनेबल करके ट्राई करने इनेबल करके यूज़ करके देखें आपके साउंड एडेप्शंस को। ठीक है, सारे साथ में दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखिए अपने मोबाइल का। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट वर्जन नहीं है तो सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखिए, उसके बाद एयरफोन को यूज़ करके देखिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा सॉफ्टवेयर के रिलेटेड तो डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगा, और आपका जो यहाँ पे मोबाइल है वो किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आप अपने ब्लूटूथ को बंद करके ईयरफोन प्लग करके देखिए। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों फिक्स होगा आपका ईयरफोन प्रॉब्लम। बाय एनी चांस दोस्तों अगर सारे सॉल्यूशन आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ईयरफोन जैक है वो ख़राब हो चुका होगा। ठीक है, तो हार्डवेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकते हैं, तो आप किसी भी टेक्नीशियन के पास जाके इसको फिक्स कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप सर्विस सेंटर पर जाके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आपको यही जो सॉल्यूशन, यही जो प्रोसेस है फॉलो करना पड़ता है, तो उसके बाद जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप फिक्स कर सकते हैं अपने ईयरफोन प्रॉब्लम्स को। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।